पानी है सफलता तो रिस्क उठाना सीखें। यदि आप ये सोचते हैं कि बिना रिस्क उठाए आसानी से सफल बन जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हीरे को हीरा बनने में बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हीरा बनता है। ठीक इसी तरह आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें, सफलता कभी भी मार्कशीट में दर्ज अंकों से नहीं मिलती, सफलता के लिए लगातार मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। आजकल सफल होना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता। ऐसे लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन ने कहा है अपनी कविता के माध्यम से, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। यूं तो हर व्यक्ति के पास प्लान होता है कि भविष्य में उसे क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं डर के कारण वो आगे नहीं बढ़ता। तो अब आप अपना डर छोड़िए और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए। एक सफल व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं और बिजनेस में सफलता पाने के उपाय क्या हैं? आत्मविश्वास। सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा की पॉइंट है आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। वो चाहे आपका टैलेंट हो, बिजनेस प्लान हो या फिर अप्रोच हो, उसमें आत्मविश्वास की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। अब ये आत्मविश्वास आएगा कैसे? तो सीधा सा जवाब है कि यदि आप अपने टैलेंट से, अपने प्लान से, अपनी अप्रोच से संतुष्ट हैं तो आत्मविश्वास आएगा ही। ये एक साधारण सी बात है, कई बार हमारी सारी चीजें सही होती हैं, लेकिन रिस्क लेने के डर से हम बहुत सोचने लगते हैं, इसी वजह से आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन आपको ये निश्चय कर लेना है कि मेरा प्लान एकदम सही है, बाकी का जो होगा वो मैनेज कर लिया जाएगा। इस आत्मविश्वास से यदि आप आगे का सफर शुरू करते हैं तो यकीन मानिए, आप सफलता की एक सीढ़ी पहले ही चढ़ चुके हैं। दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुने। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट, लोकेशन, प्रोडक्ट, डिमांड, मार्केट, पार्टनर्स आदि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। ये सच है कि एक सफल बिजनेस के लिए एनालिटिक स्किल का होना बेहद आवश्यक है, वरना आपका बिजनेस डूब सकता है। लेकिन इस एनालिटिकल स्किल में इतना भी मत उलझ जाओ कि जो आप चाहते हो उससे भटक जाओ। इस भटपटकाव को रोकने के लिए आपको अपने दिल दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग की ही नहीं बल्कि दिल की भी सुननी पड़ेगी। योजनाबद्ध तरीके से रिस्क लें। रिस्क लेना मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठें और बोले मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे रिस्क लेना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके बारे में काफी रिसर्च करनी पड़ती है। आप जिस चीज का बिजनेस करने की सोच रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है, जिससे आपको पता हो कि आपके बिजनेस को किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा, फिर स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, फिर स्टेप बाय स्टेप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। कहते हैं ना, जब सपने बड़े होते हैं तो उसको पाने का हौसला भी बड़ा होता है। इसलिए बड़े सपने देखें और उन्हें पाने के लिए दिन रात एक कर दें। आप जिस भी तरह का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उसकी पूरी प्लानिंग ऐसी करें जिसमें वर्तमान और भविष्य निर्धारित हो, यानी आगे की प्लानिंग करके चलें। कई बार आगे की प्लानिंग भी बदल जाती है। हो सकता है आपने जो प्लान किया है उसकी जरूरत आगे ना पड़े, ये अलग बात है। लेकिन आगे क्या हो सकता है क्या नहीं, इस पर हम अपने सपनों को सीमित नहीं कर सकते। इसलिए जितना बड़े लेवल पर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उसी के हिसाब से प्लानिंग करें। समय की कीमत समझें। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इसलिए सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। आप अपना समय किन चीजों में कितना देते हैं ये आपके सफल करियर की नींव होगी। इसलिए समय की कीमत को समझें, समय आपकी कीमत को समझेगा। लक्ष्य नहीं तरीका बदलो। बहुत से लोग अपने लक्ष्य से इसलिए भी भटक जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने जिसका सपना देखा है वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो रहा। इसलिए वो अपना मोटिव और लक्ष्य ही एक तरफ रख देते हैं और भेड़ की चाल चलना शुरू कर देते हैं। आपको इन सब से बचना होगा। कठिन कामों को टालें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो कठिन है या जिसका हल ही नहीं मिल रहा, और उसे सुलझाने के चक्कर में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि गिवअप कर देना है, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। उस एक काम के चक्कर में आप एक जगह रुक नहीं सकते, ना ही आप अपने आने वाले कामों और जिम्मेदारियों को टाल सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि हर काम की सफलता का एक समय होता है। यदि ये अभी नहीं हो रहा तो कल इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति का और मार्ग ढूंढते हैं। यकीन मानिए, इन टिप्स को अपने जीवन में उतार कर आप रिस्क लेने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। निश्चित ही आपकी सफलता तय होगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।